टू का क्वेश्चन है, देखिए टू की पावर दी है 2y + 8 - 2y + 5 + 1 = 0। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से एक है 3, 5, 7 और -8। थोड़ी सी अकल की बात सोचें कि अगर 2 की पावर 8 है और आंसर एंड में 0 भी आना है, तो याद रखें इतनी बड़ी पावर्स नहीं हो सकती 5 की, क्योंकि अगर y 3 या 5 या 7 होगा तो 2 की बहुत बड़ी पावर हो जाएगी। लाजमी बात है नेगेटिव का चांस, और नेगेटिव भी कोई ऐसा जिससे वैल्यू कैंसिल है। यहाँ देखिए -4 को मैं पहले चेक करूंगा क्योंकि ये नेगेटिव में। अब अगर मैं y की जगह -4 पुट करता हूँ तो देखें 2y की जगह -4, आगे क्या था +8 - 2 - 4 + 5 + 1 = 0। 2 की पावर -8 और +8 कैंसिल हो जाती है, 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1 बच रही है, +1 = 0। 2 की पावर या किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, 1 - 10 = 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर ये, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर या 4 की पावर 1 है, बेसिस से वो 2x बराबर 1 के x बराबर किसके आ जाएगा हाफ, इस पार्ट में पुट कर दें इसकी जगह हाफ प्लस y, 625 का लगे y की पावर 4, हाफ प्लस y इक्वल टू 4, y इधर ही ना, 4 में से हाफ माइनस कर लें 7/2, या इसको 3 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, वो जो भी ऑप्शन में दिया वो देख लीजिए। ये बाजार वो क्वेश्चन है जिसमें देख के लोग घट जाते हैं, दहल जाते हैं। यार अगर आपने फार्मूले सही तरह से पढ़े हुए ना मैट्रिक के, a - b³ का फार्मूला क्या था, a³ - 3a² - 3ab² - b³। अब मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सॉल्व करते हैं तो भाई इसको करना बहुत आसान है, a की जगह मौजूद है x + 2, अब b की जगह क्या मौजूद है 1। और से देखें a + b³ - 3a² b की जगह ऑफ कोर्स 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जनाब प्लस होगा, ठीक है इसको करेक्ट कर लीजिए, 3x + 2 यानी पावर b है -1। तो मेरे भाई जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये a - b³ बन जाएगा, याद रहे a का मतलब है x + 2, b का मतलब है 1, यानी फाइनल आंसर है x + 1³। ये था बच्चों हमारा अलजेब्रा पार्ट 2 का सेशन, इसके बाद अलजेब्रा के मजीद जो इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अलजेब्रा का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, नस्ट हो चाहे हमारा फास्ट का टेस्ट हो आईबी का टेस्ट हो, इसके पूरे मैं आपको 100 वीडियो का एक सेट बना के दूंगा जिसकी आज सेकंड वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके फॉरवर्ड करते रहें, थैंक्स।